सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। द्रौपदी जी का पांच पांच पतियों के संग रहने के बाद भी लोग उनको पतिव्रता नारियों में श्रेष्ठ मानते हैं, कैसे? तो ये जो पांचों पांडव हैं ना, एक इंद्र के अंश हैं, एक इंद्र के ही अंश हैं ये पांचों पांडव। एक अंश ब्रह्महत्या हुई तो कहां गए? धर्मराज के पास। दूसरा अंश माना जाता है जब अहिल्या जी के सील का हरण किया था इन्होंने, तो अहिल्या के सील हरण में भी ब्रह्महत्या इनके द्वारा हुई। और जब ब्रह्महत्या हुई तो उस ब्रह्महत्या का क्या समाधान हो, तो उस ब्रह्महत्या के समाधान में कहते हैं वह स्थान पवन देव के पास स्थापित हुआ। ऐसे करके ब्रह्महत्या पांच स्थानों पर बांटी गई। और बाद में कहते हैं उन पांचों अंशों से एक इंद्र जन, मतलब पांचों पांडव के रूप में एक इंद्र के पांच अंश हुए। और ये जो सती महारानी है वही द्रौपदी बन करके आई, इसलिए पांच पतियों के होने के बाद भी द्रौपदी जी को पतिव्रता नारी में रखा जाता है, क्योंकि पांचों पांडव एक इंद्र है।